नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूट्री केयर फिटनेस। जैसे कि आपने आज का थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि हम बात करने वाले हैं कि बेली फैट हम कैसे निकाल दें हमारी बॉडी से, हमारे स्टमक से, किस तरीके से हम बेली फैट निकाल सकें और उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, मैं आपको जल्दी इस वीडियो में बता दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। जैसे हम बात करेंगे बेली फैट के बारे में कि स्टमक जो फैट, जो सबसे पहले फैट स्टोर होता है बॉडी में, वो रहता है बेली फैट। जो नीचे का लेयर रहता है वो क्या क्या खाने से आता है और किन चीज़ों का आपको अवॉइड करना है, मैं उस वीडियो में ज़रूर बता देता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो जैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया आपको कि आपको खाने से आपका बेली फैट निकलेगा, खाने से क्या खाने से निकलेगा और क्या किन चीज़ों को अवॉइड करना है, तो अर्ली इन द मॉर्निंग आपको कुछ कुछ चीज़ें अपने डेली रूटीन में ऐड कर देना है। वो अगर आप अपने डेली रूटीन में ऐड करेंगे तो आपको बहुत से फायदे होंगे, आपको बहुत सारे फायदे होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको यूं देखे 7 दिन में बेली फैट निकल जाएगा। दैट्स माय गारंटी, दैट्स माय प्रॉमिस। तो अर्ली इन द मॉर्निंग आपको सुबह क्या लेना है, अर्ली इन द मॉर्निंग जैसे ही आप बेड से उठे तुरंत सबसे पहली स्टार्टिंग की चीज़ आपको ऑयल पुलिंग करना है। ऑयल पुलिंग मतलब एक चम्मच कोकोनट ऑयल या तो सेकेंड सिसमे ऑयल, मतलब तिली का तेल, वो दोनों में से आप ले सकते हो और उसको आपको पूरी तरीके से मुंह में रखना है एक चम्मच और उसको कम से कम 15 से 20 मिनट मुंह में सर्कुलेट करना है, जिसे हम कुल्ला करना बोलते हैं, लाइक दिस। तो वैसा आप करते रहेंगे तो आपकी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन से सारे रिलीज हो जाएंगे, आपकी बॉडी में जो इंटरनल ट्रैक है आपका इंटेस्टाइन वाला वो भी बहुत क्लियर हो जाता है और आपका बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा। दैट्स माई गारंटी। उसके बाद जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है सेकंड चीज़ जो आपको करना है, उसके बाद तुरंत पानी पी लेना है, ब्रश करना है और हैव योर वाटर। वाटर से भी वो वाटर आपका लेमन वाटर होना चाहिए। लेमन वाटर मतलब आधे नींबू को काट दें और उसको पूरा स्क्वीज करें और वो लेमन के सारे जो बारीक जो हमने उसमें जो रेशेदार चीज़ें रहती है वो भी उसमें ले लें और वो पूरा आधा नींबू पी लें पानी के साथ, लेमन ले लें वाटर के साथ और उसके साथ आपका बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा। देन उसके बाद आपको तुरंत जो थर्ड चीज़ करनी है वो है आपको वर्कआउट करना है, कम से कम 40 to 45 minutes, और अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो 20 मिनट भी वर्कआउट कर सकते हैं। वर्कआउट में आपको क्या क्या करना है, वर्कआउट में आपको करना है आपको कार्डियो करना है 15-20 मिनट 10 मिनट। उसके बाद वर्कआउट में कार्डियो जैसे आपका ख़त्म होता है, कार्डियो करने के बाद थोड़े से पुशअप्स मार लें, हैव सम पुलअप्स, 15-20 पुशअप्स मार लें, चिनअप्स मार लें, तो इससे क्या आपका बॉडी में एनर्जी आ जाएगा, वो एनर्जी पूरे दिन तक बना रहेगा और जो स्टार्टिंग में अगर आप मोटिवेट रहते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग तो वो बूस्ट होगा आपका एनर्जी, तो वो आपका बेली फैट रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग से ही लेजी रहेंगे, मॉर्निंग में ही लेजी रहेंगे तो आप क्या अपना मील प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाएंगे और अगर आपका मील डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो फूड स्टमक में ही रहेगा और आपका बेली फैट बढ़ाएगा। उसके बाद आपको जो मैं चौथी चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है आपको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम नहीं करना है। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब रोटी ज़्यादा नहीं, ब्रेड नहीं, पोटैटो मतलब आलू नहीं, ये चीज़ें आपको नहीं खाना है। आपको ज़्यादातर राइस ज़्यादा नहीं लेना है। जिस टाइम पे आप अपना बेली फैट कट कर रहे हैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज आप आपके मैक्रोस बैलेंस कर सकते हैं। पांचवी चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके न्यूट्रिएंट्स बैलेंस होना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, ये तीनों चीज़ हमेशा बैलेंस होना चाहिए। इस टाइम पे प्रोटीन ज़्यादा आना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स कम होना चाहिए, तब आपका बेली फैट निकलेगा। प्रोटीन आपको फूड से लेना है, सप्लीमेंट से ज़्यादा ना लें अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं तो। सिक्स चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो रहेगा आपके, आपको फ्रूट्स अपने डेली डाइट में ऐड करना है, कम से कम तीन फ्रूट्स डेली, यू हैव टू ईट डेली। वो फ्रूट्स सिट्रस फूड होना चाहिए, मतलब खट्टे फूड मतलब ऑरेंजेस, पाइनएप्पल और मौसमी जो आप बोलते हैं, और जो खट्टे एप्पल आते हैं वो भी आप ले सकते हैं जो ग्रीनिश कलर में होते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर हेल्थ एंड गुड फॉर योर स्किन ऑल्सो, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको ये जो बेली फैट है वो बहुत फास्ट ऐसे रिड्यूस होगा। सेवेंथ चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो रहेगा आपको रॉ वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खाने। रॉ वेजिटेबल्स मतलब कच्ची सब्जियाँ, मैं सब्जियाँ पकाने की बात नहीं कर रहा हूँ, सब्जी में आपको सॉल्ट और शुगर नहीं डालना है,
आपको ये जो बॉडी में फैट है वो क्या है, इट्स काइंड ऑफ वाटर, उसके अलावा कुछ नहीं है, पानी है, खाली पानी। बॉडी ने वाटर को होल्ड करके रखा है, किडनी ने वाटर को होल्ड करके रखा है, वो आपको वाटर तुरंत छोड़ देगी। जैसे आप सॉल्ट और शुगर छोड़ोगे, आपकी किडनी को ऐसा मैसेज मिलता है कि आपको पानी पकड़ने के लिए कहा है, वो तुरंत छोड़ देगी। ओके, तो आप वो फट दे के रिड्यूस करोगे। जैसे आप सॉल्ट और शुगर टोटल अपनी बॉडी से अवॉइड करोगे, अपने मील से अवॉइड करोगे, ओके, आपका स्टमक से बेली फैट निकल जाएगा। रॉ वेजिटेबल्स में आप क्या क्या खा सकते हो? कैबेज, टोमेटो, कुकुम्बर, कैप्सिकम, मतलब शिमला मिर्च, गोभी या पत्ता गोभी, टमाटर और कैरेट, गाजर भी खा सकते हो, ऐसा नहीं है, बट इट्स काइंड ऑफ फ्रूट है वो, उसमें शुगर रहती है तो कभी कभी अवॉइड करो। बाकी खाली पेट में जब आपके स्टमक में पत्ता गोभी जाएगा ना, दैट्स माय गारंटी, वो वेट लॉस यू कर देगा आपका। ओके, उसके बाद जो आपको करना है वो है आपको आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। प्रोटीन इंटेक मतलब डेली का आपकी बॉडी का जितना वेट है उतना प्रोटीन आपको आपकी बॉडी को देना ही है। जो ये मेरा 8th पॉइंट है वो है प्रोटीन के लिए, आपको कम से कम आपका वेट अगर 60 ग्राम है तो पर जितना आपका बॉडी वेट है उतना ग्राम आपको प्रोटीन देना है। अगर आपके पास 60 केजीज है तो लगभग लगभग 55-60 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपकी आपको बॉडी को देना ही है। एल्स अगर क्या होगा, अगर आप अपने इतना प्रोटीन नहीं दोगे तो आपका बॉडी उतना वेट मतलब ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स दोगे, प्रोटीन नहीं दोगे तो वो फैट स्टोर करना चालू कर देगा कार्बोहाइड्रेट्स में से। उसके बाद आपका जो चीज आएगा वो है 9th पॉइंट, जो आपको रात को IF मतलब इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं, जिससे वो आपको बहुत ध्यान रखना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे मैंने आपको बोला ऑयल पुलिंग मतलब मुंह में तेल रख के आपको पुला करना है, और रात का जो मैं बोल रहा हूँ आपको IF, एज सपोज करते हैं IF मतलब क्या, IF मतलब रहता है 16-8 आवर्स का जो गैप रहता है, ओके, या फिर आप 12 आवर्स गैप ले लो और बाकी का जो रिमेनिंग टाइम है उसमें आप आपका फूड कंज्यूम करो। तो जैसे कि 16 आवर्स मतलब 24 आवर्स में से 16 आवर्स हमने ब्रेक ले लिया और 8 आवर्स में हमने हमारा खाना खत्म कर दिया, या फिर 8 आवर्स हम ब्रेक ले लेते हैं 16 आवर्स में हमारा खाना खत्म कर देते, वो पर्टिकुलर जो ब्रेक ले रहे हैं, जैसे आपका डिनर हो गया रात को 7 बजे और सुबह 7 बजे आप अगर डिनर ब्रेकफास्ट लेते हैं अपना, तो टोटल 12 घंटे का जो गैप हुआ ये, उस 12 घंटे में आपको एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर ना ही सिंगल ड्रॉप ऑफ सिंगल अमाउंट ऑफ फूड कुछ भी कंज्यूम नहीं करना है। जैसे ही आप वो कंज्यूम नहीं करेंगे, तुम्हारा बॉडी सबसे बेस्ट डाइजेशन करेगा, आपका बॉडी सबसे बेस्ट डाइजेस्ट करेगा उस टाइम पे फूड। उस टाइम पे जब फूड डाइजेस्ट करने का होगा, आपके सोते टाइम आपके स्टमक में फूड नहीं रहना चाहिए। इट्स ऑलवेज आई एम सेइंग, बार बार मैं यही चीज बताता हूँ आपको, आपके स्टमक में फूड नहीं होना चाहिए जब आप सोते हो, ओके, अगर वो सोएंगे। ये आयुर्वेदा ने हमारा बहुत बड़ा साइंस है, इंडिया में भी लोग इस चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपको IF हमेशा रखना है, इंटरमीडिएट फास्टिंग जिसे हम बोलते हैं IF, ओके। लास्ट पॉइंट जो मैं कवर करने जा रहा हूँ वो रहेगा हमारा, आपको कम से कम 7-8 नहीं तो 6-8 घंटे का स्लीप मतलब सोना, आपको उतना बॉडी रेस्ट चाहिए। आपका जो बेली फैट निकलेगा वो स्लीपिंग आवर्स में निकलेगा, आपका बॉडी का जो फैट कट होगा वो स्लीपिंग आवर्स में होगा। आई एम श्योर दोस्तों 7-8 दिन ये इस चीज को फॉलो करें, आई एम डैम श्योर आपको रिजल्ट फास्ट आएंगे। और कमेंट करें इस वीडियो के नीचे कि तो जैसे कि आपने देखा कि आपको कितने सारे फायदे हैं ये 10 चीजों का, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ऐसी हजारों बीमारियां निकल जाएगी सिर्फ आपके इंटरमीडिएट फास्टिंग करने से, जैसे मैंने आपको 9 पॉइंट बताया और लास्ट आपका स्लीप जो मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक नीचे जाएं और कमेंट में लिख दें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ मैसेज कर दें, मैं आपको डैम श्योर बता दूंगा कि आपको क्या वीडियो मैं किस चीज़ पे लाऊं, आप मुझे ज़रूर बताएं। आपको अगर मेरा डाइट प्लान चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपको दे दूंगा, और कुछ डाउट हो तो डेफिनेटली मुझे मैसेज कर दें नीचे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट करना ना भूलेगा, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, वंदे मातरम।